फ्रेंड्स, आज हम लोग लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफ रॉक के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, और फर्स्ट पार्ट को देखिए, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट के पोएम के लाइनों से। विथ अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर दे विल से हाउ हिज हेयर इज गोइंग थिन। माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन। माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट एसेटेड बाय अ सिंपल पिन। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन। यहाँ प्रूफ रॉक ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे बालों के बीच थोड़ा गंजापन है, बाल जो पतला है, वो लड़की जब देखेगी तो वो क्या बोलेगी, क्या रिएक्ट करेगी, कितने पतले बाल हैं, गंजा है। प्रूफ रॉक बोल रहा है कि सुबह का वो कोट पहना हुआ है, मॉर्निंग कोट पहना हुआ है, और उस पे जो कॉलर है उसका, वो चिन तक आ रहा है, और एक टाई भी लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, लेकिन उसमें एक साधारण सा पिन जुड़ा हुआ है, अटैच किया हुआ साधारण सा पिन। मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ कोर्ट पे, लेकिन क्या वो लड़की मुझे मेरे लुक पे जज करेगी, या फिर बोलेगी कितने पतले हाथ और पैर हैं। मतलब प्रूफ ऑफ ये करना चाह रहा है, मतलब अपना कमजोरी यहाँ बता रहा है कि मैं इतना एजेड हूँ। वो अपना देखिए गंजा हो चुका है, ये बताना चाह रहा है कि उसका हाथ पैर भी सिकुड़ गया है, पतला हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ड्रेसअप बहुत अच्छा किया है, जिसमें से एक साधारण सा पिन लगाया हुआ है। क्या वो लड़की उसके लुक पे अच्छा रिएक्ट करेगी, या फिर उसके ढांचे को देख के मतलब कुछ और सोचेगी। ये कहना चाहते हैं इस लाइन पे प्रूफ रॉक। आगे हम लोग देखते हैं लाइन। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स फॉर डिसीजन एंड रिविजन व्हिच अ मिनट विल रिवर्ट। यहाँ ये कहना चाहते हैं, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ उस पे सवाल पूछने का, या मेरे लिए ऐसा ही जैसे कि पूरा यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने जैसा होगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पूरा यूनिवर्स को जैसा डिस्टर्ब करना है, क्या वो सवाल पूछने का हिम्मत कर सकता, मतलब अपना सवाल पूछने को पूरा यूनिवर्स के साथ वो रिलेट करना चाहता है। जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो कुछ पल में ही बदल जाता है, वो कुछ पल में ही बदल जाता है, मतलब जैसे वो डिसीजन लेता है वो बदल जाता है। मतलब वो हिम्मत कर रहा है जुटाने का, बोलने का सोच रहा है, पर फिर चेंज हो जा रहा है माइंड उसका। किसका? प्रूफ ऑफ का। किसको बोलने के लिए? उस लड़की को जिसको वो बोलने के लिए जा रहा है, जाना चाहता है बोलने के लिए, पर बोल नहीं पाता है। आगे के लाइन में हम लोग पढ़ते हैं, फॉर आई हैव नन देम ऑल ऑलरेडी नन देम ऑल हैव नन देम इवनिंग्स मॉर्निंग्स आफ्टरनून्स आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून। आई नो द वॉइस डाइंग विथ अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम। यहाँ प्रूफ ऑफ ये कहना चाहते हैं कि मैं इन सब को पहले से ही जानता हूँ, यहाँ का नेचर को भी जानता हूँ, जो शाम हो रहा है, सुबह हो रहा है, दोपहर हो रहा है, इन सब को जानता हूँ कि किस तरह से ढलता है मौसम, और मैं यहाँ के कॉफी चम्मचों को भी जानता हूँ, क्योंकि वो कॉफी कैफे बहुत ज्यादा जाता था, कॉफी पीता, इसीलिए उसको भी वो जान रहा है। और इस रेस्टोरेंट में जो भी लड़कियाँ गा रही है वो जानता है इन आवाजों को भी, जो धीरे धीरे से वो दूसरे रूम से गाने की आवाज आ रही है। तो कैसे मैं हिम्मत करूं अपनी बात को करने का, मतलब इन सबको वो जानता है। आगे हम लोग देखते हैं, एंड आई हैव नन द आईज ऑलरेडी नन देम ऑल द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रलिंग ऑन अ पिन व्हेन आई एम पिंड एंड वेरलिंग ऑन द वॉल देन हाउ शुड आई बिगिन।
टू स्प्लिट आउट ऑल द बटन्स ऑफ माई डेज एंड वेज एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम। इस लाइन में प्रूफ ऑफ ये कहना चाहता है, ये बता रहा है कि मैं इस रूम में सभी को जानता हूँ, यहाँ की सारी आँखों को जानता हूँ, अगर वो मेरे सामने आ जाएगी उन आँखों को देख के, क्या मैं उतना कैपेबल हूँ कि उसको बोल सकूँ अपने दिल की बात? अगर नहीं बोल सका और मैं चुपचाप हो गया तो मैं एक रेंगने वाला कीड़ा बन जाऊँगा और मुझे एक पिन के सहारे दीवार में टांग दिया जाएगा, वो हेल्पलेस हो जाएगा। तो क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ बात को शुरू करने का? क्या मैं बोलूँ ना बोलूँ? वो सोच रहा है इस लाइन पे ये बताने की कोशिश क्या है। वो इस लाइनों को बहुत ही डीपली सोच रहा है। टीएस इलियट यहाँ पे दिखाना चाहता है प्रूफ रॉक का थिंकिंग को, जो प्रूफ रॉक सोच रहा है बहुत ही ज़्यादा डीपली थिंकिंग है। इतना तो हम लोग भी इमेजन नहीं करते हैं, बट टीएस इलियट के माध्यम से प्रूफ रॉक ने कुछ ज़्यादा ही इमेजन कर लिया कि सिगरेट का लास्ट पार्ट को जैसे फेंक देते। वो नाइस थिंकिंग। चलिए आगे हम लोग आगे की लाइन देखते हैं। And I have none the arms already, none them all, arms that are bracelet and white and bare, but in the lamplight downed with light brown hair, is it perfume from a dress that makes me so digressed? Arms that lie along a table or warp about a shawl, and should I then presume, and should I begin? इन लाइनों में प्रूफ रॉक ये कहना चाहते हैं कि मैं उन हाथों को भी जानता हूँ जिन हाथों में ब्रेसलेट पहना हुआ है और वो हाथ गोरा है और ढका हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं उन हाथों को लैंप लाइट में देखता हूँ तो उसका हाथ ब्राउन भूरा बालों से ढका हुआ दिखता है और उसकी ड्रेस से जो परफ्यूम आ रही है, परफ्यूम की सुगंध आ रही है, वो मुझे मेरा ध्यान भटका रही है और उसे अपने आर्म्स को और अपना जो बाजू है उसको रिलैक्स करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए वो टेबल पे रखा हुआ है और शॉल से उसके हाथ ढके हैं और जो चद्दर होता है उससे उसका हाथ ढका हुआ है और उन्हें को देख के मैं बहक रहा हूँ और वो जो हाथ है उसको देख के वो बहक रहा। कौन बहक रहा? प्रूफ रॉक बहक रहा है। तो क्या मुझे अपनी बात कहनी चाहिए और कैसे मैं अपनी बात कहूँ? तो आगे की लाइन हम लोग देखते हैं। Shall I say I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of a lonely man in shirt sleeves leaning out of windows? इन लाइनों में प्रूफ ऑफ ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं उससे ये कहूँ कि मैं इन पतले पतले गलियों से आया हूँ, रास्ते में आते आते मुझे कुछ लोग दिखे अकेले जो सिगरेट पी रहे थे, पाइप्स का मतलब यहाँ सिगरेट है, सिगरेट वो पी रहे थे उनके पाइप से और वो उससे धुआं भी आ रही थी, तो वो लोग अकेले थे, उनके शर्ट जो है वो स्लीव थे मतलब उठे हुए थे और बाहर आते देख रहे थे और खिड़की से वो बाहर आ रहे थे, तब ये कुछ दिखा, तो क्या मुझे कहना चाहिए? इतने में आ रहा हूँ इतना दूर से ये करके, तो क्या मुझे बोल देना चाहिए? फिर ये सोच रहा है। आगे देखते हैं। I should have been a pair of red claws scuttling across the floors of silences। ये सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा होता कि मैं एक नोकीले पंजों वाला जानवर होता, कीड़ा होता, जो समुद्र के नीचे बहुत ही स्पीड तैरता है, दौड़ता है। ये कहना चाहती हूँ। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स एस्लीप टायर्ड और इट मेलिंगर्स स्ट्रेच ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी। इन लाइनों में ये कहना चाह रहे हैं कि दोपहर के बाद शाम आराम से सोएं और फिर बड़े प्यार से इन शामों को सुलाया है, मतलब वो बहुत ही अच्छा से बोलने का बयां करना चाहते हैं, वो बहुत थकी हुई है या फिर बहाना कर रही है सोने का इस फ्लोर पे और लेट के, मतलब वो
अब समझ नहीं पा रहा कि बहाना कर रहा कि क्या कर रहा क्या नहीं, ये बोलना चाह रहा। तो आगे की लाइन देखते हैं। शुड आई अपटेट टी एंड केक्स एंड आइस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस बट दाउ आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड वेप्ट एंड प्रेड। इन लाइनों में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चाय टोस्ट केक और आइसक्रीम लेके बेहतर ढंग से अपना बात को बयां कर सकता हूँ, बयां कर सकता हूँ, तो हल्की में उसके लिए बहुत रोया हूँ। और वो बोल रहा है, प्रभु बोलना चाह रहा है कि मैं उसके लिए बहुत रोया हूँ, बहुत उपास भी किए हैं और बहुत प्रार्थना, मतलब बहुत सारे वो रोया है, प्रार्थना किया है, उपास भी किया है। और तो ये खाने के बाद वो बोलने के लिए उपलब्ध होगा, मतलब ज़्यादा होगा बोल सकता हूँ, ये बोलना चाह रहा है। आगे देखते हैं। डाउ आई हैव सीन माई हेड ग्राउंड स्लाइटली बाल्ड ब्राउट इन अपॉन अ प्लेटर आई एम नो प्रोफेट एंड हियर नो ग्रेट मैटर आई हैव सी द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्नीकर एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर कट कर तुम्हारे सामने एक प्लेट में प्रेजेंट कर दूं, मतलब अपना जो वो सर है वो बोल रहा है कि अपना सर काट के प्लेट में रख दूं। मैं कोई भविष्य बताने वाला नहीं हूं और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं देखता हूं कि उस टाइम में मुझे बहुत हेजिटेट फील हो रहा, मतलब बहुत ही शर्माहट, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसको होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मौत का देवता मेरे कोट को पकड़े हुए है और मेरे बुजदिली में हंसते हुए, और इसलिए मैं बहुत डरा हुआ। वाह व्हाट ए थिंकिंग, गजब का सोचे कि मौत का देवता मतलब उसका कोट को पकड़ा हुआ है और वो बहुत ही डरा हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब इससे ज़्यादा इमिनेशन एक लवर को इजहार करने के लिए कभी नहीं सोचा हूँ कि इतना ज़्यादा कोई सोच सकता है। ये तो सेकंड पार्ट था, अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा पोएम। आगे थर्ड पार्ट भी आएगा, तो थर्ड पार्ट को भी देखिए। आज के लिए पोएम को यहीं रोकते हैं। तो स्टे विथ मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।